हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हैं। इन भड़ से कहा है मीटर लगा दो, मीटर भी नहीं लगा रहे हैं हमारे घर में। मैं 800 रुपए कमाता हूँ, मेरा टोटल बिल जो है 17,000 रुपए का है, कहाँ से लेके आऊँ। यहाँ इंसान की जो जिंदगी है ना वो कुत्ते से बदतर है। एक महीने का बिल चढ़ा हुआ था तो उस पर बिजली काट के चले। बगैर बिजली के फिर कैसे गुजारा? बस गुजारा कर रहे। तकरीबन 22,000 से ऊपर गुजरा है। 3 गुना ज्यादा हो चुका है। जी जी ज्यादा हो चुका है। अब बोलो कि भाई कुछ कम कर दो, ये तो आपको भरना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी ऐसे कुर्सी पे बैठ के नौकरी करें तो हम भी बिल भरेंगे बराबर। अस्सलामुअलैकुम, टीम डी चौक के साथ मैं हूँ रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डी पब्लिक। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा काम हो जो हम बिजली की गैर मौजूदगी में मुकम्मल कर पाते हैं, चाहे पानी की मोटर हो या इस्त्री या फिर घर के दीगर काम। लेकिन बिजली की कीमतें मुस्तकिल बढ़ती ही चली जा रही हैं और ये बोझ आवाम की जेब पर डाला जा रहा है। आवाम बिजली की कीमतें यानी कि ये बिल किस तरह से अदा कर रहे हैं ये आवाम ही से जानेंगे, तो आइए हमारे साथ चलिए। यहाँ पर किस मसले की वजह से आपको आना पड़ा? ये तकरीबन कोई 4 महीने हो गए हैं घरों में बिल नहीं पहुँचा रहे। वहाँ आओ तो यहाँ देखें लाइनें लगी हुई हैं, इतनी लाइनों में कौन लगे। ये हमारी हुकूमत का हाल है कि गरीब बंदा भी है वो बिल पे करने के काबिल नहीं है, लेकिन उसको निकलवाने के लिए भी इन लाइनों में लगना पड़ रहा है। और ये इतने बेगैरत लोग हैं, 2-2 घंटे अंदर लगा देते हैं बिल निकलवाने के लिए, बिल जमा कराने के लिए लाइनें लग जाती हैं, और ऊपर से बिलों ने वैसे ही दिमाग खराब किया हुआ है। ये जो बिल घर पर ना आने का मसला है ये कब से? तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, काम पे भी जाना होता है। फिर मैं ये दुकान से 30 रुपये या 50 रुपये देते हैं, ब्लैक एंड वाइट लो तो 30 रुपये, कलर वाला निकलवाओ तो 50 रुपये। एक बिल भी करें, एक बिल के पैसे जमा कराने के लिए निकलवाने के लिए भी पैसे दें। 4 माह में जितनी बार भी आप अपना ये मसला लेकर आए इसकी सुनवाई नहीं हो? कोई सुनवाई नहीं है। ये आप देखें तो सही, उधर कैमरा करें आपको लाइनें नजर आएंगी। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में आप इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको कोई यहाँ पे सिला मिलेगा। यहाँ इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो कुत्ते से बदतर है। ये वो मुल्क है कि यहाँ पे आप सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं, जीने के लिए पैदा नहीं हुए। और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कयामत है ना वो आज है वो बेहतर है इन लोगों से। बिल का तनासुब क्या? बस बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार के बिल आ रहे हैं, और चल रहा है वही 1-2 पंखे हैं और लाइट है बस। पहले यही चीज़ें इस्तेमाल करते थे, 4-5-6 हज़ार तक बिल आता था। बिल हाँ, अब मतलब 10,000, 8,000, 9,000। अदायगी करना मुश्किल नहीं होगी? बहुत मुश्किल है, किस्तें करानी पड़ रही हैं। हाथ में कई सारे, क्या मसला है भाजी? ये मैं रहता हूँ न्यू कराची में, मेरा बिल जो है ये है 9,593 रुपये का। हालत यूनिट मेरे 154 यूनिट है ना, बहुत ज़्यादा बिल आया है। फिर दूसरा बिल मेरा जो है 99 यूनिट है और बिल आया है 7,623 रुपये का, बहुत ज़्यादा आ रहा है। और लाइट भी जो है ना 6 घंटे भी नहीं आ रही। गरीब आदमी है, 700-800 रुपये कमाते हैं, ये बिल ज़्यादा आ रहे हैं। ये देखें चारों बिल मेरे जो है ना इस तरह ही आ रहे हैं टोटल। ये दूसरा भाई मेरे साथ है, इनका बिल आया है, इनका भी ज़्यादा आया है। ये देखें आप यूनिट कितने हैं, 69 यूनिट है ना, ये 2144 रुपये बिल आया है ना। दूसरा इसका बिल है, ये आप देखें ना 76 यूनिट है ना, ये बिल कितना आया है 4478 रुपये का बिल आया है, बहुत ज़्यादा आया है, 5,000 रुपये का। मेरा टोटल बिल जो है ना 17,000 रुपये का है, कहाँ से लेके आऊँ? क्या करते हैं? मैं 800 रुपये कमाता हूँ, ये होटल पर होता हूँ, काम करता हूँ। अभी इनको मैंने कहा भाई किश्त कर दो, बोला भाई किश्त भी नहीं होगा, ये जो है ना करंट बिल का किश्त नहीं होगा। ये क्या इसके जवाब में ये कह रहे हैं कि इस यूनिट पे इतने ही बनते हैं अदा करने? जी जी बिल्कुल, अदा करने पर कैसे करके भी 3 तारीख को आज जमा करवा दें, ये तारीख दिया है ना 3 तारीख का, जुल्म कर रहे हैं भाई, क्या करें। वो लाइट भी पूरी नहीं है, 11 बजे जाती है, 3 बजे आती है, फिर रात को 12 बजे आती है, और सुबह 6 बजे आती है, फिर 11 बजे चली जाती है, 6-7 घंटे भी लाइट नहीं है ना। पहली बात ये हुकूमत ही ख़राब है, ये होनी नहीं चाहिए। इमरान खान अच्छा था, उसको आना चाहिए दोबारा। इमरान खान था तो क्या आपके बिल कम आते थे? जी बिल कम आते थे, उसने रिलीफ भी दिया था, और पहली वाहिद हुकूमत थी जिसने कोरोना के अंदर भी गरीबों को पैसे दिए, वरना अमीरों को मिलते हैं पैसे तो गरीबों को कहाँ मिलते हैं। 12-12 हज़ार रुपये उसने दिए थे, एक सपोर्ट तो की थी उसने। बिजली के बिल वैसे ही आ रहे हैं जैसे? नहीं, बहुत बहुत आ रहे हैं बहन, बहुत बहुत आ रहे हैं। खुदा की कसम मेरे बच्चे रक्षा चला रहे हैं, रक्षों में क्या होता है ये होता है, हम बिल भरें या हम खाएँ हैं, हमारा तो बहुत दिल जल रहा है भाई, बहुत दिल जल रहा है। अल्लाह करे ये मर जाएँ, खुदा करे सारे के सारे मर जाएं, खुदा करे जब मरते भी तो नहीं है। इस तरह से आप पूरा कर पाती? नहीं कर पाती बाबू, पूरा नहीं कर पाती मैं, बहुत परेशान हूँ बहुत।
मेरे बच्चे रक्षा चला रहे हैं, मैं किस तरह भरूँ? नहीं भरा जाता बिल, खुदा की कसम नहीं भरा जाता बिल, बहुत परेशानी है मेरे को। तो किस्तें करवाती हैं? नहीं ना, किस्तें नहीं करवाती, सब पूरा भरती हूँ। हाँ, 35,000 का आया है, वो भरने आई हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ बाबू, हमारा कम बिल कर दो, अल्लाह के वास्ते हमारा कम बिल कर दो, खुदा के लिए हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हैं, क्या करें। मैं इन से कहा है मीटर लगा दो, मीटर भी नहीं लगा रहे हमारे घर में। हमारी तो बिजली भी काट के चले गए। क्यों? एक महीने का बिल चढ़ा हुआ था तो उस पर बिजली काट के चले। कोई रियायत नहीं दी, कोई वार्निंग नहीं आई क्या? नहीं, अभी भरा है, कह रहे पूरी भरेंगे तो आप किस्त करेंगे तो फिर आपकी बिजली। अभी बहाल नहीं हुई आपकी बिजली? अभी गए हुए ऊपर। अच्छा, तो बगैर बिजली के फिर कैसे गुजारा? बस गुजारा कर रहे हैं। हम जैसे गरीबों को तो करना पड़ेगा बिजली के बगैर। हाँ, कर लेंगे बेटा, हमने अपने ड्रेम में लालटेने जलाई हैं, दिए जला के रखे, अब भी यही कर लेंगे, क्योंकि हम कहाँ से भरें? इतने बच्चों का पेट भरें या बिल भरें, आप खुद बताओ। कुछ तो करना चाहिए ना, हुकूमत को हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए कि लाओ भाई बिल में कुछ कमी करें, या फिर ऐसा है कि चलो भाई बिल बढ़ाएं तो बच्चों की तनख्वाहें भी इतनी कर दें कि कम से कम वो बिल भी भर सकें और अपने बच्चों को भी पाल सकें। 2-3 सेवर चलते हैं, 2 पंखे चलते हैं, उसके भी 22,000-25,000। अब बोलो कि भाई कुछ कम कर दो, ये तो आपको भरना पड़ेगा, ये तो हर हाल में भरना। हम भी भरते हैं तो भी तुम तो बैठे ऐसी कुर्सी के ऊपर हो कि तुम्हारे को तो पैसे की कमी नहीं है, हमारे बच्चे भी ऐसी कुर्सी पे बैठ के नौकरी करें तो हम भी बिल भरेंगे बराबर। ठीक है, ऐसे सवालात हैं आवाम के जिनका जवाब तलाश करना मुश्किल है कि हम बिल कहाँ से भरें जब बिल की कीमतें और बिजली की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं तो आवाम की तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बिल की अदायगी के लिए आए? बिल इतना भेज रहे हैं कि अदायगी हो नहीं सकती, किस कराने आया हूँ, अगर कर दें इनकी मेहरबानी होगी। अच्छा। क्योंकि इतने पैसे हम भर नहीं सकते किसी तरह से। कितना बिल आता था, कितना बिल आया है? 4,000 का आता था, लेकिन आपको ये 15,000 का भेज रहे हैं तो क्या करें, कहाँ से भरें बताओ। बिल 300 यूनिट है, देखो ना। देखें इनका बिल 10,000 रुपये इजाफे के साथ 15,000 रुपये आ रहे हैं और ये कह रहे हैं ये 4,000 रुपये बिल आया करता था इनका। घर आपका अपना है? अपना है, घर हमारा अपना। ये बड़ा शुक्र, ये क्या शुक्र, अल्लाह का घर अपना है, वरना घर अपना नहीं हो तो बर्बाद हो जाए फिर तो। और कमाई कितनी? कमाई कुछ भी नहीं है, ऐसे बेकार घूम रहे हैं, काम की तलाश में है। बिजली का काम करते हैं, कहीं मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, ऐसे ही है बस। कितना आपका बिल आ रहा है? 33,000 रुपये का। कितने अफराद हैं? 6 अफराद हैं। 3 बहन भाई हैं। पहले कितना आता था? पहले आते थे 4,000-5,000-6,000। ये जो इसमें 4 times मल्टीप्लिकेशन हुई है आपके बिल में, ये कैसे हुआ? अब क्या करते, उनके बाद आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बोले भरो, भरना पड़ेगा आपको, कोई सुनी नहीं रहा। आज जगह इधर जाओ, कभी इधर जाओ, बोले उधर जाओ, भगाए जा रहे हैं, घंटों लाइन में खड़े रहे। कंपनी मेरे लिए अकेला तो नहीं कर सकती, ये कंपनी गवर्नमेंट के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। गवर्नमेंट ने टैक्सेज वगैरह इसके ऊपर लगाए तो ये हमारे ऊपर लगा दे, जाएं तो कहाँ जाएं। कितने अफराद हैं आपके घर में जो 34,000 तक बिल आ रहे हैं? 7-8 अफराद हैं। तो पहले कितना बिल आता था? पहले 6,000-5,000 इस तरह आता था, तो फिर कुछ वारे में आ रहा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया। मर्द हज़रात ख़वातीन यहाँ पर कतार की सूरत में मौजूद हैं और अपने मसाइल की सुनवाई के लिए इस इदारे में आई हैं, लेकिन हर एक शख्स या तो गुस्से में आता है या अपना मसले का हल ना पाकर गुस्से से निकलता है। एक और खातून भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मसला ये है कि हमारे मुल्क में ना हमारे जो हुक्मरान बैठे हराम खाने की आदत हो गई है, कर कुछ नहीं सकते, बोल ही सकते। आवाम तो सीधी सादी है, बर्दाश्त करना काम है उनका। मेरे घर में इलेक्ट्रिक की कोई ऐसी खास चीज़ें नहीं है, मेरा मीटर टोटल ऑफ रहता है। जब ये चीज़ चली नहीं रही है, 1700 से बिल आते आते 4,000 आया है, 12,000 आया है, 15,000 आया है, फिर जब इनको जाके अंदर आप जलील करो तो उनको एकदम होश आता है कि नहीं गलत है, इनके साथ नहीं लगना चाहिए, थोड़ा बहुत कमी बेशी कर देनी चाहिए। ये बताएं कि क्या हर माह बिजली के बिल के साथ ऐसा ही होता है, आपको आना पड़ता है, अपना बिल ठीक करवाना पड़ता है? अभी मैंने इनसे अपनी ज़बान में बात कर ली, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं आना पड़ेगा, अभी ये खुद ही एडजस्ट करके दे देंगे मुझे। देखें, ये बारिश के दौरान मेरा मीटर जल गया था, इन्होंने मीटर अभी लगाया है 3 महीने बाद, लेकिन मैं 50,000 रुपये 3 महीने से भर रहा हूँ। बिल इनको आज कल पहुँचाना था तो ताकि मैं भर देता, अब मेरी 26 तारीख निकल गई, अब ये देखें मेरे लिए क्या करते हैं, क्योंकि एक दिन ऊपर हो गया, पेनल्टी मेरी 9,107 रुपये बन रही है। ये बिल आपके घर पर नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, किसी के इलाके का ही नहीं आया, पूरे इलाके के सब यहाँ लोग मौजूद हैं, लेन लगी हुई। इनके बिल की जो ड्यू डेट है वो आज की तारीख है और बिल इन्होंने आज ही निकलवाया है, और अब इनके ड्यू डेट क्योंकि एक बज चुका है, ब्रेक हो गया है,
तो इनकी जो ड्यू डेट है वो उसकी वजह से इनको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। होता क्या है कि अक्सर इस इलाके में बिल नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ आकर बिल निकलवाना पड़ता है, और अगर ये तय हो कि इनको बिल निकलवाना ही है तो शायद ये वक्त पर निकलवा भी लें, लेकिन अक्सर ड्यू डेट से 2-4 दिन पहले बिल आ जाया करता है, जिस मुगालते में इंसान इंतज़ार भी करता रहता है, बिल आता भी नहीं है। और इनके साथ भी ऐन यही हुआ कि इनका बिल आखिरी दिन तक नहीं आया, आज इन्होंने निकलवाया और आज इनकी ड्यू डेट है, और आज के बाद इनके पास पेनल्टी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकी अदायगी लिखी हुई है। हमारे साथ एक और हजरत मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, वो बिल लेकर आए, परेशान लग रहे हैं। कितने अफराद हैं आपके घर में? हमारे घर में 8 अफराद हैं। बिजली का जो कीमतें हैं उनका इतलाक आपकी ज़िंदगी पर कब से पड़ना शुरू हुआ है? ये तकरीबन ये 5-6 महीने हो गए ऐसे। अच्छा जी। और बाकी तो ऐसे मतलब कि काम धंधे के भी है नहीं, मतलब परेशानी अलग सी है, घर में बीमारी आ जाती है, मतलब परेशानी अलग है। और दूसरी बात ये है कि भाई वो बिल ज़्यादा आ रहे हैं। आया है अभी तकरीबन 22,000 से ऊपर कुछ आया है। 22,000 आया, और पहले तकरीबन इतने ही यूनिट इस्तेमाल करते थे तो कितना बिल आता था? यही कोई कभी 6,000, कभी 7,000, कभी 5,000। 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। जी जी, वो ज़्यादा हो चुका है, अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अभी किस्तें करवा दी हमने। कितने कमाने वाले हैं आप? हम दो भाई हैं वैसे, अब वालिद साहब है वो दूसरी जगह होते हैं, अभी वही परेशान थे तो वो भी जाके नौकरी पे लग गए, हालांकि वो ज़ईफ़ है तो ये परेशानी चल रही है। आवाम के मसाइल की बात करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि आवाम को उनके मसाइल का हल भी बताएं। यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं जो लोगों की मदद करने के लिए अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, ये आवाम की किस तरह से मदद करते हैं, आवाम इनसे किस तरह से मुफीद हो सकती है, ये भी बताते हैं आपको, लेकिन इनसे बात करने के बाद। क्या करते हैं? खाना खा रहा हूँ, आप जरा बराबर से मिल लें, मुलाकात कर लें, मैं जरा खाना खा रहा हूँ, भूख बहुत जोर। आप खाना खा लें उसके बाद आ जाएं आपके पास, फिर आ जाए। थैंक यू। ये भी खाना खा रहे हैं, इसके बाद इनके पास जाएंगे ताकि बात कर सकें। क्या कर रहे हैं? लोगों के फॉर्म वगैरह भरने के लिए, इनके हेल्प के लिए। अच्छा, किस किस्म के फॉर्म? इनके न्यू कनेक्शन के। लोगों से हमारी बात हुई है, वो खासा परेशान है, वो कह रहे हैं हम आर्दे हैं, हमारे फ्लोर पर हम चाहते हैं कि मीटर अलग कर दिया जाए, 2-3 मीटर लगा दिए जाएँ, अलग अलग फ्लोर हैं तो कोई सुनवाई नहीं। अब अंदर तो जाहिर है ये सिस्टम है, फिर ये हम गाइड करते हो ना, फिर वो फॉर्म लाते हैं, उनका काम करके फिर दे देते हैं। लोग इसलिए परेशान है, जाहिर है मीटर के यूनिट इतने हैं, रेट इतने हैं, इस वजह से, और टैक्सीज की वजह से, टैक्सी इतने ज़्यादा हो गए, और आपने देखा ही होगा अभी कि लोग कितने परेशान हैं, हर बंदा परेशान नज़र आता है बिजली की कीमतों की वजह से तो परेशान है। और फिर यहाँ पर जब इदारे में आता है और उसका काम वक्त पर नहीं होता और कोई सुनता नहीं है तो बड़ा और मसला हो जाता है कि जब हमारे मसले सुनने वाला ही कोई नहीं हो, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है, ज़्यादा परेशानी का शिकार होता है, ये असल बात ही है। देखा ना कितने लोग बैठे हैं यार, ये बिल के लिए हम परेशान हो रहे हैं। अभी मैं गया था, वो कह रहे हैं कि तीसरे महीने में बिल आएगा। अब बताओ तीसरे महीने में ये अपनी मनमानी का अगर बिल भेजेंगे तो हम कहाँ से भरें? बिल ना आने की वजह क्या बता? वो कह रहे हैं कि अभी नया मीटर है, तीसरे महीने में बिल भेजेंगे। ठीक है, आपके मसले के हल के लिए ही हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि आपके मसाइल वहाँ तक सुने जाएँ और जो लोग हल कर सकते हैं वो इसका हल निकाले। इन्होंने अब मीटर लगवाने का फायदा क्या है जब 3 महीने में अपनी मनमानी का बिल भेज देंगे? यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट्स बैठे हैं रोड के इस पार, हम इनसे बात करने के लिए यहाँ आए, लेकिन जब जब इनके पास पहुंचे और जिस जिस टेबल पर पास पहुंचे, यहाँ से एक एक करके उठते जाते रहे। जब उनके पास हमारे कदम बढ़ने शुरू हुए तो वो उठ के जाते रहे, और यहाँ से उठकर कहाँ गए? रोड के उस पार एक ग्रुप बनाकर सब लोग हमें दूर से देखते रहे, देख रहे हैं, लेकिन बात करने नहीं आए। और हम उनके पास माइक लेकर भी गए तो उन्होंने माजरत कर ली कि हम बात नहीं करना चाहते, या हम खाना खाने के ब्रेक पर हैं, या फिर हम बात नहीं कर सकते। ये सर्विसेज क्या देते हैं आवाम को, इस बारे में हम आपको बता इसलिए नहीं सकते क्योंकि इन्होंने हमें क्लियर नहीं किया है। दूसरी बात, जो हम मसाइल की बात कर रहे हैं और हल के जानिब आपको लेके जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इस इदारे में उस शख्स से भी बात करने की कोशिश की जिसको मैनेजर कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भी माजरत कर ली, कभी मीटिंग के नाम पर, कभी मसरूफियत के नाम पर, और कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको कह लीजिए, क्योंकि आवाम के मसाइल के हल के लिए जो शख्स यहाँ पर बैठा है वो आवाम के मसले का हल इस माइक पर बताने के लिए और इस कैमरे पर बताने के लिए राजी नहीं था। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत को दीजिए इजाज़त कि आवाम कब तक सुलगती फिलगती रहेगी और आवाम के मसाइल का जवाब देगा कौन, इस सवाल के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम रिपब्लिक से रबिया राजपूत को दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।